और वेस्ट बंगाल को खड़ा है, लेकिन पानी नहीं है। ओए वर्षा करे। 360 व्यू हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। This is Sanjay and you are watching my YouTube channel Isan Travels. Isan Travels का और एक न्यू ब्रांड वीडियो में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं खतरनाक जगह में और वो है दामोदर नदी फ्रेंड्स। लेकिन बात यही है जो हम नदी में खड़ा है लेकिन पानी नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो फ्रेंड्स अभी है गर्मी का टाइम, अभी घुस चुका है, तो जैसे कि बरसात का टाइम में पानी रहता है लेकिन गर्मी का टाइम में थोड़ा भी पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है फ्रेंड्स। खाली बालू और बालू मेरा चारों तरफ आप देख पाएंगे फ्रेंड्स। देखिए 360 व्यू हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। पीछे में जैसा है दामोदर नदी का ऊपर में जो है ब्रिज और ये डिवाइड करता है बांकुड़ा को और वेस्ट बंगाल को फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको जैसे पता है जो हम है आज दामोदर नदी के पास और यहाँ पर एक लोकल जो बंदा है तो उनका साथ हम कुछ इन्फॉर्मेशन आज आपका शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलते हैं। तो दादा आपका नाम क्या है? हमारा कनाई। कनाई नाम है भैया का। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोकल यहाँ पर कहाँ रहते हैं? कहाँकुड़ी। अच्छा, तो यहाँ पर ये किस लिए आए हैं अभी? बालू लेके। बालू? और जैसा कि ये साइकिल में भी बालू ले जा रहे हैं और क्या काम आएगा बालू? अभी कमाई नहीं है, घर में ले जाएगा। अच्छा अच्छा, घर के लिए काम है? घर के लिए, घर बना रहे हैं। तो दादा से मिलके बहुत अच्छा लगा। हम दादा से थोड़ा देर पहले बात किए जो दादा को लेंगे हम आज थोड़ा ब्लॉग में, क्योंकि मेरा पीछे जैसा है आज दामोदर नदी आप देख रहे पानी बिल्कुल नहीं है। तो किस टाइम पे ज्यादा पानी होता है दादा? ओए वर्षा काले। खाली बरसात के टाइम में ज़्यादा पानी होता है और दूसरा टाइम में उतना पानी वगैरह नहीं रहता है ना। जैसा आप पीछे देख रहे हैं पूरा सूखा पड़ा है फ्रेंड्स। और ये है ब्रिज, ये देख रहे हैं ऊपर में ब्रिज है फ्रेंड्स। तो आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ब्लॉग में बने रहिए और हम आगे जाके भी आपको दिखाएंगे बहुत कुछ। सभी हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाता हूँ। जैसा उस किनारे है वो पड़ता है आपका बांकुड़ा फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये किनारा है ये पड़ता है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल। सिर्फ यही ब्रिज है आपको बांकुड़ा और वेस्ट बंगाल को फ्रेंड्स डिवाइड करता है। और जैसे नीचे में है दामोदर नदी, बरसात के टाइम में काफ़ी पानी रहता है लेकिन बात यही है फ्रेंड्स जो यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, खाली बालू और बालू, पूरा रेगिस्तान थर मरुभूमि मुझे लग रहा है। और पानी देखिए फ्रेंड्स कितना सारा है, देखिए इतना ही सारा पानी है, थोड़ा थोड़ा जगह में पानी है, ज्यादा बहुत ज्यादा पानी नहीं है फ्रेंड्स। और ऊपर से दो हाई टेंशन लाइन पार हुए हैं मेरा दामोदर नदी का बीच में। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो गैपिंग कितना ज्यादा है। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा आपको कॉमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा आज का सफर है मेरा अकेला, आज मेरा हंटर 350 नहीं है लेकिन उसका बदले में है मेरा सीवी साइन जो मेरा पुराना बाइक है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। चक्का तो बहुत ज़्यादा स्किड कर रहा था लेकिन फिलहाल हम देखिए कितना दूर आ गए हैं, वहाँ से यहाँ तक आए हैं यही बाइक का मदद से फ्रेंड्स। तो मेरा सीवी साइन बाइक है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स बाइक है और ये बहुत ही पुराना बाइक है एंड बहुत सपोर्टेबल एंड सक्सेसफुल बाइक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा पर्सनली बताना है फ्रेंड्स कॉमेंट करके। और फ्रेंड्स आप अगर इस चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन का दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज का मेरा जो ये ब्लॉग है यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।